नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्ट ट्रेडिंग में। तो चलिए, कल ट्यूसडे है, मंडे के लेवल दिए थे, वीडियो आपने देखा होगा। सभी ऑप्शन के लेवल, बैंक निफ्टी, निफ्टी के लेवल एक्यूरेटली 99% एक्यूरेसी से हिट हुए हैं। तो कल भी ऐसा ही होगा। मार्केट कैसा मूवमेंट करता है, कैसे प्राइस एक्शन जानना है और प्राइस एक्शन पर कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ हम बता देंगे। और कौन से लेवल फॉलो करना है, ऑप्शन का भी लेवल प्रोवाइड किया है, वीडियो अंत तक देखते रहिए। सीखना चाहते हैं कि कैसे करना है सब कुछ, तो एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे कोर्सेस आप एनरोल कर सकते हो। आज लास्ट डे है ऑफर का, तो ऑफर का आनंद आप उठाकर हमारे कोर्सेस में प्राइस एक्शन सीखने आ सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, कल एकदम क्लियरली हमने डिस्कस किया था, अगर फ्लैट ओपन होता है और जैसे ही 38,500 के नीचे निकलता है, तो पहला टारगेट 38,250 होगा और दूसरा टारगेट 38,000 होगा। तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, इजीली सभी टारगेट अचीव हुए। देखिए, प्राइस एक्शन देखना है, पहले पुल बैक में कुछ मत कीजिए। जैसे ही दूसरा पुल बैक आ गया, तो देखिए कंटिन्यूअसली प्राइस एक्शन बना के नीचे चला गया, तो पुल बैक का इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो पुल बैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पुल बैक का इंतजार नहीं भी करते, तो मैंने डायरेक्टली बताया था, पहली 15 मिनट की कैंडल अगर रेड बन जाती है और 38,500 के नीचे क्लोज देती है, और इसका अगर ये लो टूट जाता है, तो देखिए टारगेट आपको फॉलो करना है, राइट। तो इजीली टारगेट हुआ है। तो अभी कल देखते हैं कल कैसे मार्केट मूवमेंट कर सकता है। तो जहां से मार्केट ज्यादा से ज्यादा गिरा है 38,250, अभी ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे ही फ्लैट खोल के मार्केट 38,250 के ऊपर निकलता है, पहला टारगेट होगा 38,500 का। और फ्लैट खोलकर अगर मार्केट नीचे निकलता है और ये स्विंग क्रॉस कर लेता है, तो इजीली मार्केट 37,750 तक जाएगा। और इसको भी पुल बैक पे, सेकंड पुल बैक अगर आता है, तो अगर उसका स्विंग भी चला जाता है, तो 37,500 तक भी ये जा सकता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी बहुत चांस लग रहे हैं कि गैप डाउन भी हो सकता है। तो गैप डाउन में क्या करना है, समझो, अगर गैप डाउन डायरेक्टली 37,500 और 750 के बीच में होता है, तो यहाँ से फिर से रिकवरी आ सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं हर बार यहाँ से रिकवरी आती है। तो इधर आपको वोलेटिली मतलब जो भी बिग क्वांटिटी वो नहीं रखना है, हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो अगर रिकवरी आती है या फिर कंटिन्यू करेगा, तो उस हिसाब से हम लेवल अपडेट करेंगे। अभी मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, तो मैंने जो लेवल प्रोवाइड किए उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। डायरेक्टली गैप अप अगर होगा, तो मार्केट वोलेटाइल बनेगा। तो इसके वजह से अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होगा, तो कुछ मत कीजिए, क्योंकि सेलर बायर दोनों कन्फ्यूज रहेंगे। तो सिमिलरली अभी निफ्टी में देखते हैं। तो चलिए, निफ्टी में भी मैंने कहा था कि अगर ये फ्लैट खुल के स्विंग के नीचे चलने लगता है, तो बहुत तेजी से टूट सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी से ज्यादा ये निफ्टी तेजी से टूटा है, सिर्फ एक पुल बैक, उसके बाद बड़ा टूटा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस एक्शन समझना जरूरी है। क्यों मैंने कहा था कि ज्यादा निफ्टी टूट सकता है, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल इविडेंस भी हमें देखने पड़ते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के वगैरह, तो सब कुछ हमें देखना है। तो प्राइस एक्शन अगर आप सीख लोगे, तो आपको न्यूज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली हमारे 95% एक्यूरेसी के सेटअप सीख के, सिर्फ सेटअप में अगर हमारा कॉल आ गया, तो 99% एक्यूरेसी से हम उसे हिट करेंगे। 10 में से 9 कॉल तो हमारे हिट होंगे ही होंगे, ओके। तो ये आपको सीखना जरूरी है, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक लर्निंग नहीं करोगे, तब तक लाइफ टाइम अर्न नहीं कर सकोगे। ये आप एक दो दिन के लिए अर्न करोगे, फिर सब पैसा गवा दोगे, 40-50 हजार लॉस करोगे। इससे अच्छा है वन टाइम लर्निंग में इन्वेस्टमेंट कर दो, वो लाइफ टाइम आप अर्निंग करोगे। देखिए, 17,000 अगेन एक रेजिस्टेंस बन चुका है। 17,000 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर चलता है, तो 17,000 आपका पहला टारगेट है, जैसे ही मार्केट 16,900 को क्रॉस करेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलने लगा, पहला स्विंग क्रॉस किया, तो 16,800 का आपका टारगेट होगा। डायरेक्टली गैप डाउन हुआ, तो रिकवरी आ सकती है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ये मैं अपडेट कर दूंगा। अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, तभी भी ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट के बीच में एक्टिवेट होगा, तो वोलेटाइल बन जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, गैप अप गैप डाउन में कुछ नहीं करना है, फ्लैट में ही ये लेवल को आपको देखना है।
अगर गैप डाउन हो गया तो उस हिसाब से मैंने लेवल भी अपडेट करूंगा, और यहाँ भी मैंने वहां से दिया है। देखिए अभी ये 6 अक्टूबर 38,000 का पुट ऑप्शन है बैंक निफ्टी का। तो देखिए अभी यहाँ पर मैंने इतने सारे टारगेट स्टॉप लॉस क्यों दिए हैं, क्योंकि सेफ ट्रेडर और रिस्की ट्रेडर के हिसाब से हमें काम करना है। समझो अगर मार्केट फ्लैट खुल गया तो आप जैसे ही 430 पे आएगा इसे बाय करना है, और पहला टारगेट आपका 450 होगा जो भी सेफ ट्रेडर है, और जो भी रिस्की ट्रेडर है उनका टारगेट 500 होगा, राइट, डायरेक्टली 70 पॉइंट। और उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, सबका 400 होगा, सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, राइट। तो ये फॉलो करना है अगर फ्लैट ओपन होके चलने लगता है, राइट। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो देखिए गैप डाउन अगर ओपन होगा तो ये यहाँ पर घूमेगा, तो जैसे ही 500 को क्रॉस करेगा पहला टारगेट 550 रहेगा, और जो भी रिस्की ट्रेडर है उनका टारगेट 600 होगा, और जो भी हमारा पहला टारगेट था ये 450 सेफ वाला, ये इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा गैप डाउन में, राइट। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है तो स्टॉप लॉस होगा 450, 500 पे एंट्री होगी, 550 पहला टारगेट, 600 दूसरा टारगेट, ये गैप डाउन पर होने वाला है, राइट। अगर फ्लैट ओपन होता है तो एंट्री किधर लेना है, 400 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 430 पे एंट्री रहेगी, पहला टारगेट 450, दूसरा रिस्की टारगेट 500, राइट। तो ये सब लेवल है आपको फॉलो करना है। तो जो भी रिस्की ट्रेडर है वो 380 तक भी स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन पॉसिबल है। तो इजीली मैंने ये लेवल बता दिए हैं, कल आप मार्केट में अच्छे से इनके ऊपर नजर गड़ाए रखो, आपको इजीली प्रॉफिट मिल सकता है। तो देखिए 10 में से 8-9 कॉल तो हमारे हिट हो गए, एक आध दूसरा स्टॉप लॉस चला जाता है तो कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि 8 से 9 कॉल में हम फायदेमंद रहते हैं। तो उस हिसाब से हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना है, 1:2 का हमेशा हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना है, ताकि अगर हमारा ये दो दो एक स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तभी हम प्रॉफिट रखें। इसीलिए क्वांटिटी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, वो आप सब कुछ सीख सकते हैं हमारे कोर्सेस में। तो डाउनलोड कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एप्लीकेशन उधर से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, उधर एक्यूरेसी आपको पता चलेगी हमारी, और अगर कुछ नए कॉल होंगे तो वो भी हम इंट्राडे में अपडेट करते रहेंगे। जिनका भी डीमैट नहीं वो डीमैट हमारे साथ खोल सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में ऐसे ही एनालिसिस के साथ जिससे आपको फायदा हो। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, और सबको ये पता लगना चाहिए कि शेयर मार्केट सिर्फ एक गैम्बल नहीं, बल्कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या फिर पैसिव इनकम ये हो सकता है। बाय बाय।